अपनी बेबाक टिप्पणियों के लिए मशहूर कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने कहा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। राजस्थान में दो बार अशोक गहलोत ने ऐतिहासिक नेतृत्व प्रदान किया है। इस बार भी गहलोत के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जा रहा है। कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी है। इस बार पिछली बार से भी ज्यादा सीटें कांग्रेस को मिलेगी। ईटीवी के साथ बातचीत करते हुए संयम लोढ़ा ने कहा कि मैंने सरकार को नीतिगत मामलों को लेकर सुझाव दिए और सरकार ने उन्हें माना भी है। वरिष्ठ नेता संयम लोढ़ा हमारे साथ, उनसे पूछते हैं कि कांग्रेस की स्थिति कैसी है और उनके मन में क्या है। कांग्रेस पार्टी की स्थिति बेहद मजबूत है और राजस्थान में पिछली बार से ज्यादा सीटें लाकर के कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। राजस्थान में किसका नेतृत्व रहेगा और कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि कितनी सीटों की बात करते हैं? राजस्थान में कांग्रेस पार्टी माननीय श्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है और स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाएगी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो स्वराज संकल्प यात्रा उसमें जो भीड़ आई उस भीड़ को क्या कहते हैं और मुख्यमंत्री की सभाओं में भी भीड़ आ रही है, उसको किस रूप में भीड़ का नाम देंगे आप? भीड़ कभी प्रजातंत्र में लोगों को अधिकार है कि वो हर पार्टी की अपनी बात सुने और उसके बाद में फैसला करे। भीड़ के आधार पर किसी भी तरह का निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की सभाएं राजस्थान में ऐतिहासिक हुई है। इस वक्त सब लोगों की नजरें आपकी ओर भी है क्योंकि शुरू से आप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ भी काम करते हैं और पूरे प्रदेश कांग्रेस के लिए बहुत काम किया, क्या है आपके मन में? हमारे मन में एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट नेतृत्व को किसी भी हालत में राजस्थान की सत्ता में नहीं आने देना है। हम सदा से एक ही जगह है, इसमें कोई दो मत है ही नहीं है। ये जरूर है कि नीतिगत मामलों में कई बार हम पार्टी को जनहित में अपने सुझाव देते रहते हैं और उन सरकारों ने उन सुझावों को माना है, उन सुझावों को क्रियान्वित किया है। मुख्यमंत्री गहलोत, आपकी व्यक्तिगत टिप्पणी क्या है? बहुत समय तक आपके साथ में काम किया, काम कर रहे हैं। हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है और राजस्थान की दोनों सरकारों में राजस्थान की जनता को, राजस्थान की कांग्रेस पार्टी को उन्होंने ऐतिहासिक नेतृत्व प्रदान किया है। तो ये है संयम लोढ़ा, जिन्होंने चार साढ़े चार साल तक विधायक नहीं रहते हुए भी विधायक के रूप में काम किया और अपने विधानसभा क्षेत्र के अलावा जो जिले के अंदर भी काफी कुछ विकास की योजनाएं लाए हैं और साफ तौर पर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में राजस्थान में सरकार नहीं बनाएगी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में ही चुनाव होंगे और राजस्थान के अंदर सरकार जो है कांग्रेस ही बनाएगी। कैमरामैन शिव सिंह के साथ राजीव गौड़, ईटीवी न्यूज, सिरोही।